हेलो चिल्ड्रेन, वेलकम टू योर ऑनलाइन क्लासेस, क्लास फिफ्थ, सब्जेक्ट जीके, एंड आई एम योर जीके टीचर एंड दिस इज योर जीके बुक। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। एंड द फर्स्ट चैप्टर नेम इज क्लासेस ऑफ एनिमल्स, दैट मींस जंतुओं का या जानवरों का समूह। ऑल एनिमल्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट क्लासेस और कैटेगरीज। सभी जंतुओं को अलग अलग समूहों और वर्गों में बांटा गया है। रीड द डिस्क्रिप्शन ऑफ द डिफरेंट क्लासेस ऑफ एनिमल्स एंड कंप्लीट देयर क्लास नेम। तो यहाँ पर हम जानवरों के अलग अलग समूहों के बारे में पढ़ेंगे और उनके वर्गों के नाम को कंप्लीट करेंगे जो यहाँ पर इनकम्प्लीट दिए गए हैं। एंड द फर्स्ट इज एम्फीबियंस, AMPHIBIANS। Amphibians are cold-blooded and live both on land, breathing with lungs, and in water, breathing through gills at different times. Amphibian class के जो animals होते हैं उनका blood ठंडा होता है और वो ज़मीन पर और पानी में दोनों ही जगह रहते हैं। जब वो ज़मीन पर होते हैं तो वो अपने फेफड़ों द्वारा सांस लेते हैं, और जब वो पानी में होते हैं तो वो अपने गलफड़ों द्वारा सांस लेते हैं अलग अलग समय पर। एंड द सेकेंड इज रेप्टाइल्स, REPTILES, रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स आर कोल्ड ब्लडेड एंड ब्रीद थ्रू लंग्स, दे हैव स्केल्स एंड मोस्टली ले एग्स। रेप्टाइल्स क्लास के एनिमल्स का खून भी ठंडा होता है और वो भी अपने लंग्स के थ्रू, फेफड़ों के थ्रू सांस लेते हैं। वे रेंगते हैं और अधिकतर उसमें से अंडे देते हैं, मैमल्स। एंड द थर्ड इज मैमल्स, MAMMALS, मैमल्स। मैमल्स आर वार्म ब्लडेड एंड आर नरिश्ड बाई देयर मदर्स मिल्क। दे आर कैरेक्टराइज्ड बाई देयर हेयर और फर। मैमल्स क्लास के जो एनिमल्स होते हैं उनका खून जो है, उनका ब्लड जो है वो गर्म होता है एंड और वो और उन्हें अपनी माँ के दूध से पोषण मिलता है और उनके उनके बॉडी पर क्या होता है, बाल और रोएं पाए जाते हैं। एंड द फोर्थ इज कोएलेंट्रेट्स, COELENTERATES। कोएलेंट्रेट्स हैव अ सिंगल ओपनिंग इन द बॉडी विच एक्ट्स एज माउथ एज वेल एज एनस। कोएलेंट्रेट्स क्लास के जो एनिमल्स होते हैं उनकी बॉडी में एक ही जगह पर होल होता है और वो माउथ का भी काम करते हैं और एनस का भी। दैट मीन्स उनका वो मुख द्वार भी है और वो मल द्वार भी है, क्लियर है। एंड द फिफ्थ इज इचिनोडर्म, ECHINODERMS। चिनोडर्म्स आर मैरीन एनिमल्स विद रेडियल सिमेट्री बॉडी। इचिनोडर्म्स क्लास के एनिमल्स जो होते हैं वो समुद्री जंतु होते हैं और इनकी बॉडी जो होती है वो समरूपी होती है, मतलब वो किसी भी रूप, किसी भी आकृति, किसी भी शेप में चेंज हो जाती है। एंड द सिक्स्थ इज मोलस्क, MOLLUSKS। मोलस्क आर सॉफ्ट बॉडीज एनिमल विच ऑफन लिव इन हार्ड शेल। मोलस्क क्लास के जो एनिमल होते हैं उनकी बॉडी बहुत सॉफ्ट होती है एंड उनकी बॉडी के ऊपर जो है वो एक कठोर कवच होता है जो कि अक्सर उन्हीं कवच के अंदर वो रहते हैं। और एंड द लास्ट इज सेवेंथ इज ऑर्थोपोड्स, ARTHROPODS। ऑर्थोपोड्स आर द लार्जेस्ट एनिमल ग्रुप। ऑर्थोपोड्स क्लास के जो एनिमल होते हैं उनका ग्रुप बहुत बड़ा होता है। दे हैव सेगमेंटेड बॉडीज सपोर्टेड बाई अ हार्ड एक्सटर्नल स्केलेटन और एक्सो स्केलेटन। उनकी बॉडी कई पार्ट में बटी हुई होती है और उनके उनकी जो आंतरिक अस्थियाँ होती हैं वो बहुत ही मजबूत होती हैं और यही
मजबूत यही हार्ड यही कठोर अस्थियाँ उनकी पूरी बॉडी को सपोर्ट करती हैं और प्रोटेक्ट करती हैं। तो दिस लेसन इज कंप्लीट नाउ, सो फिल अप द बुक एंड ऑल्सो राइट इन योर कॉपी। ओके, थैंक यू।